मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल। तो ये टॉपिक है जिसमें हम क्या करेंगे, एक बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे। जैसे स्ट्रिंग लिया, पत्थर लिया, वर्टिकल में घुमा दिया। पहला एग्जांपल, जैसे बाल्टी ली पानी की भरी हुई, रस्सी ली और भरी हुई बाल्टी को गोल घुमा दिया, वर्टिकल सर्कल। अच्छा, जैसे डेथ वेल में गए, मौत के कुएं में गए, जाल बिछा हुआ था पूरा, मोटरसाइकिल ली और फिर गोल 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 उसको रेस दी, फटाफट घुमा के उसे वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया, ठीक, वर्टिकल सर्कल। तीसरा, कोई ऐसा छोटा प्लेन या रॉकेट लिया, उसमें बैठे और वर्टिकल सर्कल मतलब हवा में जाके गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। करते हैं रॉकेट के साथ, करते हैं लोग पायलट्स, तो वर्टिकल सर्कल। तो ये जितने भी वर्टिकल सर्कल हैं सब पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या, जैसे सपोज करो एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, एक मास है, वर्टिकल सर्कल। रूल नंबर वन, जब लोएस्ट पॉइंट पे होंगे तो वेलोसिटी VL है, वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी और हाईएस्ट पर जीरो नहीं होगी, हाईएस्ट पर VH होगी। अगर जीरो हो गई तो पार्टिकल कहाँ गिरेगा, सीधा नीचे गिर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ तो लेना पड़ेगा VH ताकि ये सर्कल कंप्लीट करे। टेंशन हर वक्त चेंज होगी क्योंकि टेंशन की वैल्यू अगेंस्ट ग्रेविटी चेंज होगी, तो यहाँ पर टी मैक्स, यहाँ पर टी मिनिमम। और इक्वेशन बनाएं सेंट्रीपिटल की, क्योंकि आर्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कल में। तो लोएस्ट पॉइंट पर बॉडी को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल कहाँ हिट करेगी, टूवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है, टी मैक्स, और इसके अगेंस्ट क्या है, एम जे। तो नेट फोर्स क्या होगी, टी मैक्स माइनस एम जे, बनाया हमने अभी इक्वेशन बनाई थी। तो टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाई एल, और क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे है तो यहां पर क्या पुट करेंगे, वी एल, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर टी मिनिमम प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, वी एच। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? अब ये टॉपिक आपको क्या बताता है, हमने करना क्या इस टॉपिक में, इक्वेशन तो बना ली हमने, मेरे को ये बताना है कि मैं लोएस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी रखूं कम से कम, मिनिमम, ताकि ये पार्टिकल सर्कल में घूम जाए। अच्छा, इन अदर वर्ड और इजी, एक डेथ वेल है, मौत का कुआं, बाइक वाला खड़ा था, वो कहता सर मेरे को ना पूरा गोल 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 चक्कर काटना है। मैंने कहा काट चक्कर, तो कहता है कैसे काटूं, मैंने कहा रेस दबा के रखियो पूरी, और यही कहोगे अगर स्लो कर दिया तो नीचे गिर जाएगा, ऐसे ही होगा। तो उसने 100 किलोमीटर पर आर से मोटरसाइकिल घुमा दिया, वो नीचे नहीं गिरेगा, पक्की बात है, इतनी स्पीड से नीचे गिर नहीं सकता। अगर वो स्पीड से 10 किलोमीटर पर आर रखता है तो ऊपर जा नहीं पाएगा। अब मेरे से पूछ रहा है कि मैं कम से कम स्पीड क्या रखूं, कम से कम, ताकि मैं ऊपर जाके नीचे ना गिरूं, अपना सर्कल कंप्लीट कर जाऊं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, कम से कम में मैं मूव नहीं करूंगा। तो एक ऐसी मिनिमम वैल्यू होगी, आप मुझे बताओ कि वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट पॉइंट पे वो बाइक कितनी स्पीड से ऊपर जाए ताकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो नीचे ना गिरे और सर्कल कंप्लीट कर दे। क्लियर है यहां तक? और ऐसी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या मिनिमम वेलोसिटी होगी, देखो वर्ड लग रहा है मिनिमम, कम से कम, कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी फिर तो मैं नीचे पक्का ही गिर गया। तो कुछ तो वेलोसिटी होगी जिसे बाइक ऊपर मूव करेगी, वो मिनिमम, अगर वो मैक्सिमम वेलोसिटी रख दे जो मर्जी रखे फिर तो नीचे नहीं गिरेगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, वो अपना सर्कल कंप्लीट कर जाए। तो ये जो टॉपिक है वो आपको वेलोसिटीज नहीं बता रहे, ये आपको मिनिमम वेलोसिटीज बता रहे हैं कि लोएस्ट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी और हाईएस्ट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी ताकि एक चक्कर पूरा हो जाए। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं, इससे ज्यादा वेलोसिटीज रखोगे फिर तो नीचे गिरता नहीं, इससे कम रखोगे तो नीचे गिर जाएगा। तो ये टॉपिक वेलोसिटीज एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट का नहीं है, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट एंड मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इसका मतलब अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट की इक्वेशन है, या चलो ये टॉप मोस्ट, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की इक्वेशन, या टॉप मोस्ट पॉइंट की इक्वेशन है सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट पर, और मुझे वेलोसिटी को ज्यादा ही रखना, मिनिमम रखना है, कम से कम रखना है, तो एक बात बताओ, अगर मुझे वीएच को कम रखना है, एमजी को तो मैं चेंज कर नहीं सकता तो कांस्टेंट है, तो मुझे टेंशन को क्या रखना पड़ेगा, कम से कम। अगर टेंशन कम से कम होगी रस्सी में तो ये टर्म अपने आप ही कम आएगी, अगर टेंशन बढ़ जाएगी तो ये टर्म अपने आप बढ़ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? और अगर मैं जोर 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 की हिलाऊंगा, जोर जोर की, तो टेंशन उतनी ज्यादा होगी, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, टेंशन बढ़ाऊंगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इक्वेशन समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि मुझे कम से कम रखनी है टेंशन ताकि ये वाली टर्म कम से कम आए।
अब टेंशन मिनिमम कम से कम क्या होगी, कैसे डिसाइड करोगे? आपने कहा 1 न्यूटन, मैंने कहा और कम करो यार, वेलोसिटी और कम आएगी। आपने कहा 0.5 न्यूटन, मैंने कहा और कम करो 0.4 न्यूटन, और कम करो 0.3 न्यूटन, उससे कम करो 0.1 न्यूटन, उससे कम करो 0.001 न्यूटन, और कम करो 0.00001 न्यूटन। मैंने कहा यार अप्रोचिंग टू जीरो ही है यार, तो जीरो ही पुट करते भाई। जब तुमने, मैंने ये नहीं कहा जीरो, बट अब कम से कम, कम से कम, कम से कम करने की लिमिट क्या है? अप्रोचिंग टू जीरो। तो अप्रोक्सीमेटली टेंशन मिनिमम क्या होगी इसमें? जीरो। भी टेंशन ऊपर जाके बस आप ना मात्र जोर लगा देना, अपने आप ही बॉडी नीचे आएगी ना। बस जोर लगा दिया फिर तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, तो आप ना के बराबर जोर लगाना, टेंशन जीरो ही रखना सिर्फ उस इंस्टेंट पर जब बॉडी कहाँ पर होगी, एट हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कम से कम रखनी है। अब कम से कम किसकी क्या आपको कम से कम, तो 1 न्यूटन भी होता है। मतलब कम से कम का मतलब इससे कम नहीं हो सकता, तो वो अप्रोचिंग टू जीरो ही जाएगा। तो इसीलिए जब मैंने टी मैंने लिख दिया, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, तो टी मिनिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होना चाहिए? जीरो। तो जैसे ही आपने इसको जीरो पुट किया, तो एम जी इस टर्म के इक्वल आ गया, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, रूट जी एल। तो बॉक्स में डाल के इंपॉर्टेंट मार्क करो, दिस इज दी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये वेलोसिटी नहीं है, ये मिनिमम वेलोसिटी है। कहाँ पर? एट हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब कि एक बाइक वाला खड़ा है, वो कह रहा है जी मैं जाने लगा हूँ मौत के कुएं में, बाइक चलाना है मेरे को, मुझे बस ये बता दो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी क्या हो बाइक की, कि भाई मैं नीचे ना गिरूँ। मैंने कहा एक बात बता, जिस ग्लोब में जाएगा उसका रेडियस क्या है? कहता 10 मीटर। मैंने कहा एक काम कर, यहाँ 10 फुट कर, जी भी 10 होता है, 10 × 10 = 100, 100 का √10। भाई तू वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कम से कम 10 रख लियो, अगर तूने 9.8 भी रख ली ना, पक्की बात है ऊपर से नीचे गिरेगा। तो कम से कम वेलोसिटी 10, वो कहते हैं अगर 10 से ज़्यादा रख लूँ कोई टेंशन नहीं, तू चला। तो कम से कम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, इससे कम नहीं रखनी आपने, समझ में आया यहाँ तक? अब मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अब ये वर्टिकल सर्कल है, आपको हाईएस्ट की वेलोसिटी पता है, लोएस्ट की निकालनी है। और मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जब भी वर्टिकल सर्कल हो, एक वेलोसिटी गिवन हो दूसरी निकालनी हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन, मोशन मोशन मत लगाना, एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक लोएस्ट एंड हाईएस्ट पर विल रिमेन सेम। तो लगा के देख लो, ये लो, ये देखो, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है वीएल, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है वीएच, और ये लेंथ कितनी है एल एंड एल। तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम क्या रहेगा? सेम। तो एक काम करते हैं, ग्राउंड को यही मान लें, अगर ग्राउंड यही है तो इसकी पोटेंशियल क्या आएगी लोएस्ट पॉइंट पर? जीरो। काइनेटिक क्या आएगी? हाफ एम वी एल का स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगी? एम जी इंटू टू एल, एम जी इंटू टू एल। और काइनेटिक क्या आएगी? हाफ एम वी एच का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एम एम और एम क्या हो गया? कैंसल। तो यहाँ से 2 LCM ले लो, ये क्या बनेगा? वी एल स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 4GL, और ये वी एच स्क्वायर। अब वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना? रूट जी एल। ऊपर निकाला नहीं हमने बॉक्स में रूट जी एल, तो वी एच ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालना है? वी एल। तो आप इस वी एच को यहाँ पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ जी एल का स्क्वायर क्या होता है? जी एल। तो ये क्या चीज़ है? 4GL प्लस जी एल विल गिव 5GL। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 5GL। तो वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 5GL। ये मिनिमम वेलोसिटी है, तो नोट करो, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। तो यानी कि अब वो बाइक वाला फिर पूछ रहा है, सर मौत के कुएं में जाना है, मुझे सही सही बताना कि लोएस्ट पॉइंट पर क्या बाइक की वेलोसिटी रखूँ कि पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाए, बीच में गिर ना जाऊं। तो मैंने कहा काम करिए, फॉर्मूला नोट कर ले, रेडियस बता ग्लोब का कितना है, वो कहता है 10 मीटर। तो मैंने कहा 5 × 10 × 10, 500 का अंडर रूट कैलकुलेट कर लियो, बस उतनी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे रखियो, अगर कम रख ली तो फिर बीच में गिरेगा ही गिरेगा। तभी तो वो क्या करते हैं, पहले बाइक उठाते हैं, पहले इधर जाते हैं, चक्कर नहीं पूरा करते, इधर जाते हैं, फिर वेलोसिटी बढ़ाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। देखा, 5-7 बार बाइक को ऐसे घुमाते हैं ताकि वेलोसिटी बढ़े, और फिर एक राउंड में कंप्लीट करते हैं ताकि अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज। अगर सीधा ही उठाएंगे तो इतनी पिकअप कहाँ है बाइक की कि वो टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगी, रास्ते में वापस आएगी आएगी। तो पहले वो वेलोसिटी को
इंक्रीज करते हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी रखी जाती है रूट 5gm. तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? इसी के साथ एक एक्सटेंडेड टॉपिक है जो नीचे लिखा गया मुझसे, ये टॉपिक है, इसके एक्सटेंशन है. कैलकुलेट करो कि जब कोई स्ट्रिंग वर्टिकल सर्कल में है तो उसकी जो टेंशन की वैल्यू है वो मिनिमम है और ये मैक्सिमम है. आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस बताना है क्या है. तो सबसे पहला पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर सेंट्रीपिटल की इक्वेशन क्या बनी थी? टी मैक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल. टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय एल, ये बनी थी. यहाँ से लोएस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या थी? रूट 5gl. यहाँ पुट किया रूट 5gl, सॉल्व किया, एम जी राइट गया, तो टी मैक्स इतना आ गया 6mg. तो लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो किसके इक्वल होती है? 6mg. क्लियर है? और हाईएस्ट पे टेंशन क्या होती है? जीरो. लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है? 6mg. कैलकुलेट किया और हाईएस्ट पे क्या होती है? जीरो. तो डिफरेंस क्या हुआ हाईएस्ट और लोएस्ट टेंशन का? 6mg माइनस जीरो इज 6mg. तो प्रूव करने को आ सकता है कि प्रूव करो कि हाईएस्ट और मिनिमम टेंशन के बीच में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6mg. क्लियर है यहां तक?